Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Anshu Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 2nd of September 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. The first news is provocative action by PLA again. This is said by Ministry of External Affairs. एक फिर से उत्तेजक कर देने वाला या गुस्सा दिला देने वाला जो है एक्शन पीएलए द्वारा उठाया किया गया है लिया गया है उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है जो कहीं ना कहीं इंडिया को एग्रेसिव कर देने वाला है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. एग्रेसिव एक्शन इवन एज कमांडर लेवल ऑन डी एस्केलेशन एट एलएसी वर अंडर वे एट चुशुल. ओके, चाइनीज troops engaged in provocative action along the disputed boundaries in Ladakh once again on August 31st को फिर से एक ऐसी घटना की गई है. चाइनीज़ हरकत है ये, जिससे कि कहीं ना कहीं relations ख़राब होने की बात कही गई है और definitely बहुत ही aggressive action लिया गया है चाइना द्वारा. उन्होंने लद्दाख के 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस पर अपना कब्जा जमा लिया है या हम कह सकते हैं उस एरिया को अपने अंडर में कर लिया है. इवन एज कमांडर ऑफ द टू साइड्स वर इन डिस्कशन टू डी एस्केलेट द सिचुएशन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड ऑन ट्यूजडे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बताया कि फिर भी उसके बाद भी कमांडर्स के बीच में दोनों साइड के जो कमांडर्स हैं उनके बीच में बात हो रही है और कोशिश की जा रही है अगेन सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की और जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ चाइना ने जो कब्जा जमा लिया है या एग्रेसिवली जो है ओवर रूल करने की कोशिश की है तो उन एरियाज़ को फिर से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है. वहीं पे जब हमने बात की चाइना से तो चाइना ने हमें ये बताया कि इंडिया ने जो है वॉयलेट किया है कंसेंसस को. बेसिकली वो डिस्प्यूटेड एरियाज़ या वो सारी सिचुएशंस जो सहमति के आधार पर होनी चाहिए इंडिया ने उन्हें वॉयलेट किया है, ऐसा चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का कहना है. चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को ब्लेम किया है दैट हमने जो है रूल्स तोड़े हैं, हमने सहमति जिन जगहों पर सहमति जताई गई थी उन्हें हमने उन जिन रूल्स पर उन्हें हमने तोड़ा है. ओके, एंड कॉल फॉर इंडिया टू इमीडिएटली विदड्रॉ इट्स ट्रूप्स और इंडिया से कहा है कि वो इमीडिएटली अपने ट्रूप्स को विदड्रॉ करें. इन स्टेटमेंट इशूड इन बीजिंग एंड दिल्ली, बीजिंग और दिल्ली में ये स्टेटमेंट इशू हुआ है, मतलब दोनों सरकारों में इस स्टेटमेंट को इशू किया गया है. पहले जब ये बात हुई थी कि इमीडिएटली इंडिया अपने ट्रूप्स को पीछे कर ले और जगह को खाली कर ले तो उस बात को जो है इंडिया ने नहीं माना था और रूल्स ब्रेक किए थे. द इंडियन आर्मी सेड On Monday that on 29th of August night, the PLA carried out provocative military movements to change the status quo. जैसे कि 29th August को बात की गई थी, मंडे को इंडियन आर्मी ने कहा कि मंडे को 29th August को बात हुई थी रात में, तो PLA carried out provocative military movements. हमने PLA ने जो है provocative military movements को जो है change करने की कोशिश की बट कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से जो है चाइना सेटिस्फाइड नहीं था इसीलिए हमने ये एक्शन लिया है. जबकि इंडिया का ये कहना है कि ये सारा सिचुएशन क्रिएट की गई है चाइना द्वारा, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था. तो ये सारी चीज़ें चल रही है, ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स चल रही है दूसरे दिन भी चुशुल के अंदर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू दी ग्राउंड सिचुएशन को ले जो है मुआवजे का जो पर्टिकुलर प्लेस है उसका उस सिचुएशन का दौरा करने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी राजनाथ सिंह ने और उसी के बेसिस पर जो है ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स आपस में चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. जिस तरह का एक्शन चाइना ने लिया है जल्दी से जल्दी सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, द नेक्स्ट इज इंडिया रशिया टू होल्ड नेवल ड्रिल्स इन अंडमान सी. अंडमान जो सी है, अंडमान समुद्र जो है वहाँ पर नेवल ड्रिल्स होल्ड करेंगे इंडिया और रशिया. एमिड हाई ऑपरेशन अलर्ट बाई द इंडियन नेवी इन द इंडियन ओशियन रीजन ड्यू टू दी
ongoing standoff with China and Ladakh in Ladakh, India and Russia are scheduled to hold the bilateral naval exercise in the 2020. मैं आपको बता दूँ जैसी कंडीशन चाइना और इंडिया के बीच में चल रही है उसको देखकर लगता है कि जो जिस तरह का मुद्दा गरमाया हुआ है मामला जो गरमाया हुआ है उसके उस बेसिस पर हमें ज़रूरत है कि हम अपने लेवल पर तैयारी को पूर्ण करें और उसी तैयारी के बेसिस पर इंडिया और रशिया के बीच में जो है नेवल एक्सरसाइज होगी बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज शेड्यूल की गई है इंद्र 2020 और ये की गई है अंडमान सी के तहत ओके एंड क्लोज टू द स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का लेटर दिस वीक थ्री रशियन नेवी शिप्स विल टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज ऑन 4th and 5th September 4 and 5 September को जो है तीन जो है नेवल एक्सरसाइजेज रशियन नेवी की जो शिप्स हैं वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी और वहीं इंडिया की भी बराबर मात्रा में मतलब तीन जो नेवल शिप्स हैं वो हिस्सा लेंगी इसके अंदर अलोंग विद सम एयरक्राफ्ट और कुछ एयरक्राफ्ट भी होंगे और डिफेंस सोर्स से डिफेंस के किसी सोर्स द्वारा हमें ये पता चला है. This is also first bilateral naval exercise since all such engagements were suspended due to COVID-19 pandemic. COVID-19 की pandemic के चलते जितने भी engagements जो suspend हुए थे उनके बाद में जो है उनके चलते ये पहली exercise होगी जो इन सब चीज़ों pandemic के दौरान रद्द कर दी गई थी. ठीक है और यहाँ पे एक्सरसाइज विथ यूएस की भी बात की है जुलाई के अंदर फ्रंट लाइन वॉरशिप और द इंडियन नेवी कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज जो है पासिक्स वो शुरू की गई थी जुलाई के अंदर इंडिया और यूएस के बीच में इन एयरक्राफ्ट के बीच में यूएसएस निमित्स स्ट्राइक ग्रुप था और सेम एरिया नियर अंडमान निकोबार के पास कभी उस आइलैंड के पास ये एक्सरसाइज को किया गया था. ठीक है यूएसएस निमिज वॉज रिटर्निंग फ्रॉम साउथ चाइना सी थ्रू द मलक्का स्ट्रेट वेयर इट अंडरटुक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो है प्रोवाइड करवाया गया था वहाँ पे और नेविगेशन ऑपरेशंस को लेकर के और मलक्का स्ट्रेट के पास करीब जो है साउथ चाइना सी के तहत जो है वहाँ पे ये एक्सरसाइज फॉर्म की गई थी. ठीक है तो ये पूरी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि रिसेंटली हमारे जो चाइना के साथ इश्यूज चल रहे हैं उनको कंट्रोल में लाने के लिए हमारी एक्सरसाइज किसके साथ चल रही है रशिया के साथ में क्या एक्सरसाइज है इंद्र 2020. अब देखिए इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स क्यों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसा क्या है क्योंकि रशिया का तो यूजुअली जो है चाइना से थोड़ी बॉन्डिंग देखने को मिलती है तो वाई इट इज़ लाइक कि हम लोग जो है इंडिया के साथ में इसकी नेवल एक्सरसाइज क्यों हो रही है और उसका रीज़न क्या है ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बिकॉज ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है दीज ऑल स्टेटमेंट्स एंड ऑल दीज थिंकिंग्स आर इम्पॉर्टेंट ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि क्यों हो रहा है रशिया और इंडिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस. ठीक है और इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स और रशिया और चाइना के रिलेशनशिप और रिसेंट इवोल्यूशन के बेसिस पे आप क्या कहना चाहेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में वो चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे. ठीक है नेक्स्ट इज़ फ्रॉम एडिटोरियल सेक्शन. एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ मुझे किसी का ऐसा डाउट आया था कि मैम एडिटोरियल सेक्शन अलग से लीजिए न्यूज़ सेशन अलग से लीजिए तो देखिए मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि मैं मैक्सिमम लेवल पे एडिटोरियल्स ही लेती हूँ इसके अलावा जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं हम उसे बिल्कुल नॉर्मली जो है डिस्कस कर लेते हैं और अब से नेक्स्ट जो है आने वाले टाइम के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो लेकर आ रहे हैं कुछ चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे काफ़ी सारी चेंजेस जो है एडिटोरियल सेक्शन में देखे जाएंगे आपके और काफ़ी सारे चेंजेस आपको ऑलरेडी हमारे इस एनालिसिस में मिलेगा न्यूज़ एनालिसिस में. उसके अलावा आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन डेली बेसिस पे ऑलरेडी अलग से शेयर हो रहा है करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो रही है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है दिन के. ठीक है सो डोंट वरी अबाउट इट जो चीज़ें जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो डेली जो है हमारे वीडियो के अंदर
मैं जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेती हूँ उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी वजह से इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होते हैं मेंस के आंसर से, एडिटोरियल सेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड जैसे हमने अभी चाइना और इंडिया के बीच जो प्रॉब्लम्स चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड बात की है। इसके अलावा हमने जो है रशिया और हमारे बीच जो ये चल रही है नेवल एक्सरसाइज उससे रिलेटेड बात की। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ऐसी कोई न्यूज़ हम यहाँ नहीं लेते जो यूज़लेस है या जो कि कहीं ना कहीं एवे डिस्कस कर रहे हैं, तो नथिंग लाइक दैट। हम एडिटोरियल सेक्शन के साथ में उस तरीके की न्यूज़ कवर करते हैं कि वो न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ इनएविटेबल कोलैप्स, व्हाट इट इज़ विथ COVID-19 हिटिंग प्राइवेट कंजप्शन डिमांड रिकवरी विल हिंज ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ओके। या द इनएविटेबल हैज़ हैपेंड, इंडियाज़ GDP सफर्ड इट्स स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिकॉर्ड ऑफ द अप्रैल जून क्वार्टर एज आउटपुट श्रंक 23.9% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। प्रोविजनल डेटा शो इट इज़ एविडेंट दैट द स्ट्रिंजेंट COVID-19 लॉकडाउन्स इन फोर्स थ्रू द फर्स्ट थर्ड ऑफ द क्वार्टर एंड सब्सटेंशियली इन मे हॉलोड आउट डिमांड। जो देखिए बेसिकली क्या हुआ है कि जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिस तरह का डेटा जो है जिस तरीके से हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी GDP पूरी तरीके से स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन पे है, मतलब हमारी GDP बहुत बुरी तरीके से औंधे मुंह नीचे गिरी है। अब उसे वापस से अपने ट्रैक पर लाने के लिए बहुत सारे प्रयासों को करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कल के सेक्शन में डिस्कस किया था। हमारी जिस तरह से GDP अभी तक के सबसे वर्स्ट कंडीशन पे जो है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन जहाँ देखा गया है वो अप्रैल से जून के फर्स्ट क्वार्टर में देखा गया है, ठीक है। और इस समय हमारी 23.9% तक GDP जो है वो श्रैंक हो चुकी है। अब ये सारी कंडीशंस जो चलती हुई देख रहे हैं हम लोग, ये सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं कहाँ से हिट हुई है, COVID-19 से, ठीक है। अब COVID-19 से हिट हो तो गई ये कंडीशन, लेकिन कंडीशन है क्या? तो देखिए बहुत बुरी तरीके से हमारी GDP कोलैप्स हुई है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि GDP पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन GDP में हमें देखा गया है, ठीक है। प्राइवेट कंजप्शन जो है, अच्छा GDP कब होती है, कब डाउनफॉल होती है, जब विदिन अ टेरिटरी होने वाली एक्टिविटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो। तो अब आपको पता है कि गवर्नमेंट कंजप्शन तो एज इट इज चल रहा है, लेकिन प्राइवेट कंजप्शन, अच्छा मनी जनरेट कहाँ से हो रहा है, मनी जनरेट होता है सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन कैसा, प्राइवेट सर्कुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट सर्कुलेशंस में यूजुअली जो है स्पेंडिंग होती है, यूजुअली कोई कैपिटल जो है क्रिएट नहीं होती। कैपिटल क्रिएट नहीं होगी तो आप GDP के ऊपर उठने की उम्मीद लगा ही नहीं सकते। तो GDP अपने लेवल पे कब आती है, जब प्राइवेट कंजप्शन काफ़ी अच्छा हो और गवर्नमेंट कंजप्शन भी अच्छा हो, ठीक है। तो एक बैलेंस बना रहता है, डिमांड और सप्लाई की चेन बनी रहती है। अब प्राइवेट कंजप्शन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि GDP डाउनफॉल होनी ही है, और अगर GDP डाउनफॉल हो रही है इट मींस दैट प्राइवेट कंजप्शन इज़ गोइंग लो, ओके। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग हेयर विच कंट्रीब्यूट्स टू अ फिफ्थ ऑफ GDP, ठीक है। देखिए एक्सपोर्ट्स जो है वो करीब करीब GDP पे फिफ्थ कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स का, और सबसे ज़्यादा जो है डिमांड्स क्रिएट होती है इंडियन गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे जहाँ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज की मैक्सिमम डिमांड है, वहाँ पे इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को की जो डिमांड है वो इफ़ेक्ट हुई है COVID-19 के चलते। देखिए पूरी चेन चल रही है, GDP कहाँ से क्रिएट होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और इन हाउस कंजप्शन या प्रोडक्शन से, ठीक है। अब इन हाउस प्रोडक्शन जो है हमारा वो कब, अच्छा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कब करेंगे, जब इन हाउस प्रोडक्शन होगा। इन हाउस प्रोडक्शन कब होगा, जब यहाँ हमारी कंट्री में इंडस्ट्री चलेगी और प्रोडक्शन होगा। तो अब जब इन हाउस प्रोडक्शन ही हो नहीं रहा है, COVID-19 के चलते बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है हमारा प्रोडक्शन,
तो उस कंडीशन में हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि किसी भी लेवल पे हमारी इकोनॉमी एक नॉर्मल मोड में जाएगी। तो उसी के चलते हम देखा जा रहा है कि डिमांड क्रिएट जो है हो रही है अगर बाहर की तरफ से भी, तो उसे रिकवर नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉकडाउन और COVID-19 के चलते सारे प्रोडक्शंस को बंद कर दिया गया था, और क्योंकि प्रोडक्शंस और सारा सप्लाई चेन पूरी तरीके से इफेक्टेड था उसके चलते हमारी जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से वर्स्ट लेवल पे जा चुकी है। अब जब हम ट्रैक पे आने लगे हैं तब भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इफेक्टेड है, जो जिनमें काफ़ी बड़े बदलाव देखे गए पिछले कुछ महीनों के अंदर, है ना। बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट की है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी परसेंट तक 20-30+% तक जो है डाउनफॉल हुई है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। एग्रीकल्चर को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं, आइडियल या हायर देन आइडियल रेनफॉल जो है अगस्त में देखी गई, जिसके चलते काफ़ी क्रॉप्स जो है वो अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा प्ले कर रही है। और अगर हम बात करें कुछ ऐसी है जो कि बाहर निकलने से पहले ही नष्ट हो चुकी है, तो जो कि इफ़ेक्ट हुई है कहीं ना कहीं साइक्लोन से और इन सारी जगहों से भी काफ़ी एरियाज इफ़ेक्ट हुए हैं, और लैंडस्लाइड्स देखी गई थी, आपको पता है लैंडस्लिप्स कहाँ पे केरला के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जिन्होंने प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट किया है। COVID-19 तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हम कह सकते हैं सबसे बड़ा फैक्टर रहा ही है प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करने में, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं COVID-19 और उसके साथ ही अदर एलिमेंट्स जो इंडिया में हुए हैं जैसे अम्फान है, निसर्गा है, ये सारे साइक्लोन्स हैं, इन सब के चलते जो इफ़ेक्ट देखने को मिला वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे GDP को इफ़ेक्ट कर गई, और उसी के चलते GDP वर्स्ट लेवल पे देखा गया है ना। तो वही सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस की गई है कि कैसे उसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे डिमांड क्रिएट होगी, कैसे जो है प्राइवेट कंजप्शन बढ़ेगा, और उसके साथ में कैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ गोल्डन मोमेंट, इंडियाज चेस प्लेयर्स डिजर्व मोर अटेंशन आफ्टर द ओलंपियाड टर्म। ओलंपियाड टर्म के बाद में इंडियन चेस प्लेयर्स जो है, इंडिया के जितने भी चेस प्लेयर्स हैं, मास्टर माइंडेड हैं, उन सभी लोगों को जो है और ज़्यादा वो डिजर्व करते हैं अटेंशन, ठीक है। इट इफ़ फर्दर प्रूफ वॉज नीडेड फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टेचर इन वर्ल्ड चेस, वर्ल्ड लेवल पे अगर चेस की बात की जाए और भी प्रूफ की ज़रूरत है अगर, तो आप इंडिया की मोस्ट पॉपुलर जो है पॉपुलैरिटीज़ को आप ले सकते हैं, स्पोर्ट्स राइजिंग पॉपुलैरिटीज़ कंट्री के अंदर हैं, जो कि ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में रिसेंटली जिन्होंने खुद को प्रूव कर दिया। इंडिया बिकेम द जॉइंट चैम्पियन, इंडिया जॉइंट चैम्पियन रहा किसके साथ, रशिया के साथ में, है ना। इवन एज द ओलंपियाड ट्रेंडेड ऑन ट्विटर, ओलंपियाड जो है वो ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड में रहा, थाउजेंड्स फॉलोड द एक्शन थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने इसे फॉलो किया, थाउजेंड्स ने फॉलो किया। द टाइटल हैड टू बी शेयर्ड बिकॉज द रिजल्ट इन टू गेम्स इन द सेकेंड मैच ऑफ द फाइनल वॉज अफेक्टेड बाय द नेट आउटगेज, नेट आउटगेज के चलते जो है सेकेंड मैच के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें शेयर किया गया था। इंडिया के निहाल सरीन और दिव्या देशमुख हैड लॉस्ट ऑन टाइम, एंड कॉम्पिटिटिव चेस इज ऑलवेज अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक, बट प्रोबेबली नीदर वुड हैव इट इफ दे वर नॉट डिसकनेक्टेड। द इंडियन टीम मैनेजमेंट लॉस्ट अ कंप्लेंट एंड वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी FIDE जो है FIDE it decided or decision to have joint champion was agreeable टू रशिया टू। अब जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे टाइम के चलते या अदर इश्यूज के चलते हुई उन सबको देखते हुए इंडिया ने ये डिमांड की कि ये डिमांड रेज की कि इसके अंदर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और हम जो है हमें बिल्कुल इक्वल वो होगा, क्योंकि जिस तरीके से नेट आउटरेज दिखाई दे रहा है और जैसी कंडीशंस दिखाई दे रही है वी कांट अफोर्ड दिस। तो उसी के चलते जो है इंडिया और चाइना को जॉइंट जो है विनर्स घोषित कर दिया गया, ठीक है। That was not quite the situation though when Armenia raised the same complaint after it lost a crucial game involving Nihal to India in the first match of the quarter final. The Armenians
protested by not playing the second match and withdrew from the competition. आर्मेनिया ने सेम कम्प्लेन जो हमने रखी वही कम्प्लेन आर्मेनिया ने भी रखी थी फर्स्ट मैच में जब वो हार गए थे. उसके बाद में जो है उन्होंने मैच को वहीं पे ड्रॉप कर दिया था. बट दैट इंसिडेंट शुड नॉट टेकन द सीन ऑफ इंडियाज ट्रम्प. या ओके, चेस ओलंपियाड हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट प्रेस्टीजियस टीम इवेंट इन द गेम. चेस जो है वो अपने आप में सारे गेम्स के अंदर एक बहुत टॉप क्लास जो है पोजीशन रखती है, पोजीशन गेन करती है. जो कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो स्ट्रेच हो गई हिस्ट्री के अंदर 1924 में. इंडिया के बेस्ट एफर्ट्स जो है वो 2014 में दिखाई दिए जब हम थर्ड प्लेस पे थे इन ओलंपियाड में. और वहीं पे फडे decided to conduct an Olympia online Olympiad. इस साल जो है 44th edition जो है उसी के साथ में जो है online Olympiad arrange किया गया. और उसके अंदर ये सारे results, जैसे कि आप सभी को बताया हमने अभी discuss किया, वो सब चीज़ें देखने को मिली. और जो है बहुत सारे और भी काफ़ी जो है players दिखाई दिए, greatest players, world के सबसे अच्छे players जो है वहाँ दिखाई दिए. मैन, वेमेन, जूनियर सभी कैटेगरीज, थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड थे रिजल्ट्स. सम ग्रिम्स फैक्ट्स शुड नॉट बी ओवरलुक्ड. ऑन सैटरडे व्हेन द अर्जुना अवार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस समय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा सैटरडे को जो है अर्जुन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया या किया जाएगा, द इंडियन चेस टीम पुल्ड ऑफ अ थ्रिल्ड विक्ट्री अगेंस्ट पोलैंड इन द सेमीफाइनल ऑफ द ओलंपियाड. Ironically, no chess player has won an Arjuna for 7 years. 7 सालों से किसी ने अर्जुन नहीं जीता था. और उसके बाद में अब हमने जो है अर्जुन जीता है. इंडिया 4th रैंक पे है एंड वर्ल्ड पे 4th रैंक पे रही है, वर्ल्ड लेवल पे रही थी. इन इंडिया कैप्टन विदित गुजराती हैड सेड हाउ द टीम वॉज ऑन इट्स ओन अहेड ऑफ द ओलंपियाड विद नो सपोर्ट फ्रॉम द ऑल इंडिया चाइनीज चेस फेडरेशन. ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से कोई मदद ना मिलने के बाद भी वो किस तरीके से टॉप पर रहे थे, ये चीज़ भी जो है हमें अवगत करवाई गई विदित गुजराती द्वारा. द फेडरेशन ऑफिशियली आर एम्ब्रॉयल्ड इन अ टसल ऑफ पावर. दे अनाउंस टू सेपरेट टीम्स फॉर द ओलंपियाड. ओलंपियाड के लिए दो सेपरेट टीम्स को जो है अनाउंस किए के बारे में अनाउंस किया था टीम ने. और जो चेस फेडरेशन ने जो है दो डिफरेंट पावर्स को ऑर्गेनाइज किया था. दे अनाउंस टू सेपरेट टीम्स एंड दे या फोर्सिंग चीफ सेलेक्टर आर बी रमेश टू क्विट. दिस मोमेंट ऑफ ग्लोरी देयरफॉर इज आल्सो अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है, ग्लोरियस टाइम है जब इंडिया ने टॉप किया है चेस के अंदर. और उन्होंने 7 सालों बाद फिर से जो है वर्ल्ड लेवल पे टॉप किया है, खुद का परचम लहराया है. और उसके बीच जो कॉम्प्लिकेशंस आई रशिया के साथ में जो गेम से रिलेटेड, उसे भी सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़े. और फाइनली हमने जो है ये फाइनल्स तक हम पहुँच कर जीत कर निकले, है ना. सो हमारे लिए गोल्डन मोमेंट रहा, उसी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. द नेक्स्ट इज डिसरप्शन एंड चॉकिंग आउट अ न्यू आइडिया फॉर एजुकेशन. इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पेंडेमिक्स डीप इम्पैक्ट ऑन इंडिया. एकेडमिक्स इज अ कॉन्सेप्ट हुज टाइम है मे हैव कम. एकेडमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका वक्त आ गया है. जिस तरीके से हमें इफेक्ट किया है इस पेंडेमिक ने, उसके बाद से अगर हम बात करें, व्हेन द नोवल कोरोना वायरस फर्स्ट मेड हाइलाइट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में जिस समय हमने देखा कोरोना वायरस जो है हाइलाइट्स बनकर सामने आया, फ्यू इन द कंट्री ऑफ नेशंस वुड हैव थॉट इवन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम दैट इट वॉज गोइंग टू हैव सो मच ऑफ एन इम्पैक्ट that not even a single sphere of life would be left unexpected unaffected. हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा जिस समय फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस का दौर चला और हमें सुनने में आया, तो हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि हमारे जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं होगा जो इससे इफ़ेक्टेड नहीं होगा. हर इंसान के हर जीवन का हर एक पहलू, हर एक मोमेंट जो है वो कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड नज़र आया है पिछले कुछ टाइम में, है ना. लास्ट 6 मंथ से अगर बात की जाए तो ओनली एंड ओनली कॉलोजल
लाइफ जो है सरवाइव कर रहा है, इकोनॉमिकली डैमेज हो चुके हैं, बट कोविड-19 जो है वो अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है ना। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव एजुकेशन सिस्टम पर भी देखने को मिला है, क्योंकि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है एजुकेशन सिस्टम, पूरी तरीके से इफ़ेक्टेड नज़र आ रहा है। रिसेंटली JEE नीट की लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने देखी। इसके अलावा इससे पहले भी अभी जो है SSC और NTPC को लेकर इशूज़ चल रहे हैं, रेलवेज को लेकर, और इससे पहले जो है काफ़ी सारे इशू जैसे अदर एग्ज़ाम्स को लेकर देखे गए थे कि पोस्टपोन ही करना पड़ा, सिचुएशन के मद्देनज़र रखते हुए पोस्टपोन करने पड़े एग्ज़ाम। तो ये सारी सिचुएशंस हमें पिछले कई महीनों से जो है देखने को मिल रही है, और इन सारी कंडीशंस के पीछे जो नए आइडियाज़ हैं वो पूरी तरीके से चॉकआउट हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। अब एजुकेशन सिस्टम जो नया पॉलिसी लॉन्च भी की गई है तो भी मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इफ़ेक्टेड होगी जितनी कि जितना इफ़ेक्ट हमें कोविड-19 ने किया है, उसके कंपैरेटिवली कहीं पर भी जो है कोई इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा। द कंपैरिजन विद द वेस्ट, अगर वेस्ट से कंपैरिजन करें तो उसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। प्राइवेट एजुकेशन को भी यहाँ एक्सप्रेस किया गया है कि कैसे प्राइवेट एजुकेशन चल रही है, इन द वे दे आर सेट अप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हार्डली इन अ पोजिशन टू मीट एंड इवेंचुअली सच एज कोविड-19 समथिंग दैट कम्स बाय लाइटनिंग स्पीड एंड लीव्स अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वुड टेक मैनी मैनी ईयर्स टू रेक्टिफाई। ओके, तो एजुकेशनल सेटअप की अगर बात करें, अब नया स्ट्रक्चर जो हमने लॉन्च भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड-19 से इफेक्टेड जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने ट्रैक पे आने का नाम नहीं ले रहा, और जिस तरीके से आउट ऑफ ट्रैक हो चुका है एजुकेशन, हमें ये लगता है कि बहुत लंबा समय लग जाएगा इससे फिर से अपने ट्रैक पर आने में। इसके अलावा पॉसिबल रिफॉर्म्स को यहाँ डिस्कस किया है, ड्यूअल मोड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन ऑफलाइन के कॉन्टेक्स्ट को, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है कि किस तरीके से इस पेंडेमिक ने हमें इम्पैक्ट किया है, इफ़ेक्ट किया है, और ऐसा कोई हिस्सा जीवन का नहीं पीछे छूटा है जो किसी भी तरीके से इफ़ेक्टेड ना हो, है ना। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी पूरी तरीके से चौक कर चुकी है, न्यू आइडिया फॉर एजुकेशन आर चॉक्ड। ओके, ठीक है, हाँ, डिस्ट्रक्शन और चॉकिंग जो है देखने को मिली है न्यू आइडियाज ऑफ एजुकेशन पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, और ये रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन सिस्टम जो कि एक बहुत एसेंशियल पार्ट है लाइफ का, वो कैसे इफ़ेक्ट हुआ इन सारी चीज़ों से। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ इन कश्मीर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी हमें कश्मीर में बहुत लंबी दूरी तय करनी है, बहुत कुछ है कश्मीर में जिस पर काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कश्मीर को ट्रैक पिलाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, कश्मीर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, और यूज़ ऑफ शॉक एंड ऑ, शॉक एंड ऑ को यहाँ डिस्कस किया गया कि उसे यूज़ करना होगा, अनरियलाइज्ड गोल्स और कंसर्न को डिस्कस करना होगा, साथ ही कम्प्लेक्सिटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है, वो क्या है, लॉन्ग शेडोज एंड वर्ल्ड इवेंट्स अदर देन दिस, हाउ डिबेट इंट्रोस्पेक्शंस हैव डिबेट एंड इंट्रोस्पेक्शंस, ऑल दीज टॉपिक्स आर हेयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, यू शुड गो फॉर इट। ये पूरा आर्टिकल इन्हीं सारी चीज़ों पर बेस्ड है, इन्हीं सारे न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों को कैरी कर रहा है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे, लास्ट वाला, कश्मीर में अभी क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारा, ऑलमोस्ट सारा हमने एडिटोरियल एनालिसिस ही लिया है, इसके अलावा दो न्यूज़ हमने एक्स्ट्रा लिए जो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अदर देन दिस वी टुक एवरीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, डोंट वरी, वी आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट योर स्टडीज, अबाउट योर एग्जाम्स एंड अबाउट योर फ्यूचर। So don't think that we are going like we can't do anything and we are not taking it somewhere from according to your perspective. No, nothing like this. We are going according to you, but we are working a quite interesting effects. We are working on quite interesting areas of your analysis. Just wait for few days. You will get it as soon as possible.
ओके सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बींग विथ मी. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.